अगर आप बोलेंगे मुझे ऑब्जेक्टिव मीट करना है, अगर तुम मेरे वेल्थ मैनेजर हो, तो फिर वो सोचेगा कैसे मीट करूं, राइट? आपकी जेब में और मेरी जेब में पोस्ट टैक्स ही आता है, बाकी सब तो किताबी है ना। एफडी में अगर मैं 7 भी कमा लूं, जेब में कितना आता है, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, राइट? सो अगर मैं सैलरी कमाता हूं, इंडिया की हाईएस्ट टैक्स स्लैब आपसे 42.74% गवर्नमेंट ले लेती थी टिल लास्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब 100 रुपए कमाओ तो 57 रुपीज जेब में आते थे, 43 रुपीज गवर्नमेंट ले जाती थी हाईएस्ट स्लैब। बट अगर इन्वेस्टमेंट से 100 रुपए कमाओ तो 88 रुपीज जेब में आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो आपने वो 300 जो इनकम टैक्स सेक्शंस हैं, उसमें से 6 बड़ी महत्वपूर्ण है, उनका प्रयोग शायद ठीक से नहीं हुआ। इज टू से दैट प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स रिटर्न में 12% से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। ये टारगेट तो लिखो तो सामने वाला सोचेगा, वरना वो बोलता है टैक्स तो आपके सीए का काम है ना सर, मैं क्यों करूं? भाई पैसे कमा के मेरी जेब में कितने डाल रहे हो? टिल द टाइम इट कम्स टू माई पॉकेट, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी।